मैं हूं मनीषा बोंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में संघ मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शहर के मोहन इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के कई स्वयंसेवक और प्रचारक भी मौजूद थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। भागवत ने कहा कि पड़ोसी देश में काफी हिंसा हो रही है और वहाँ रहने वाले हिंदुओं को बिना किसी कारण के इसका सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि आने वाली पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के स्व की रक्षा करे, क्योंकि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों पर हावी होना चाहते हैं और हमें उनसे सतर्क एवं सावधान रहना होगा तथा स्वयं को बचाना होगा।